हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल देसी अमजद 85 में आप लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? एगो बात हम बताने आए हैं और बतियाने आए हैं, सुनिए कि शहर में कोई शहर वाला नहीं है, सब गांव वाला है, और गांव में सब गांव वाला है। गांव से निकल के शहर में आते हैं, शहर का प्रकृति को समझते हैं, शहर में आके वो डिप्लॉप होने की कोशिश करते हैं, अपना फैमिली उमिली को लेके जब शहर में रह जाते हैं, उनके बच्चे जब शहर में पढ़ाई कर लेते हैं, शहर का प्रकृति को समझ जाते हैं, तो उनके बच्चे कहते हैं कि हम गांव वाले नहीं, हम शहर वाले हैं। तो शहर वाले वहाँ से बनते हैं, शहर वाले गाँव वाले हैं। गांव वाले सोचते हैं कि शहर में शहर वाले रहते हैं, नहीं, शहर में गांव वाले रहते हैं। इनके भी गांव है, लेकिन ये गांव में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, इसके लिए ये शहर में रहते हैं और शहर में बिजनेस बढ़ा लिए मेहनत से, इसीलिए ये शहरी कहलाते हैं और हम लोग गांव वाले कहलाते हैं। तो आज का वीडियो इस टॉपिक में है कि गाँव से बाहर निकलने की कोशिश करो। गाँव में वही मैं सबको नहीं कह सकता और सब आदमी गांव छोड़ नहीं सकता, लेकिन एक बार कोशिश करके देखें ताकि आने वाले जेनरेशन कुछ गांव में भी, जैसे मैं गांव में हूँ तो मेरा भाई भी, मैं शहर में हूँ तो मेरा भाई गांव में है, तो मैं शहर में आया ना, एक भाई, कभी मेरा भतीजा भगना कभी मुंबई आए तो भाई मेरा मामा है वहाँ पर। इस तरीके से अगर हर एक फैमिली में एक शहर बाज़ार में कोई होता है तो बहुत अच्छी लगती है। पर हमारे आजकल के जेनरेशन जो है ना, दोस्त आते हैं और आके मतलब कैसे हम फीलिंग बताएं आप लोग को, वो लोग मतलब बिल्कुल बदल जाते हैं। जो गांव में रहते थे, गांव से शहर में आए, शहर में आने के बाद पैसा कमाने लगे तो गुटखा खाने लगा, सिगरेट पीने लगा, बियर पीने लगा, ड्रिंक करने लगा, मतलब हर क्वालिटी उनके अंदर ऐसे ऐसे आ जाती हैं कि मैं बयां नहीं कर सकता। तो ये सब नहीं होनी चाहिए जीवन में। हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ किया है जीवन में, हमने भी बहुत बहुत, लेकिन आज जो भी मेरे अंदर है, मैं फीलिंग को मैं शेयर करता हूँ मैं सारे मित्रों से, दोस्तों से। और मैं जो ये ब्लॉगिंग करता हूँ ना, तो आइडिया तो बहुत दिन से था लेकिन अब स्टार्ट कर दिया हूँ। तो बीच बीच में मैं मोटिवेट वाला वीडियो भी डालता रहूँगा। और एक चीज़ है, इस शहर में आने के बाद डर टूट जाती है इंसानों को, शहर में आने के बाद डर टूट जाती है इंसानों को, और इंसान अपने ज़िंदगी बनाने में व्यस्त हो जाते हैं 24 घंटा, ना किसी का चुगली करते हैं, ना किसी का लेना देना। शहर में आने से मतलब ही सेल्फिश हो जाते हैं आदमी, सिर्फ अपने जीवन के बारे में सोचना, अपने जीवन के बारे में, बच्चे के जीवन के बारे में, दूसरों के सबके बारे में सोचते हैं शहर में आने के बाद, क्योंकि शहर का डिप्लॉप बहुत ज़बरदस्त है। और अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, मुंबई का लेपेंसी रोड से बना रहा हूँ। ये देखिए सामने मेरा पेट्रोल पम्प है, देख सकते हैं, ये देखिए पेट्रोल पम्प है सामने, और इधर रोड है, देखिए मैं इधर में पार्किंग लगाया हूँ गाड़ी, और यहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ और सबको मोटिवेट कर रहा हूँ कि मैं भी एक छोटा सा गांव का लड़का हूँ, झारखंड का। मैं जब पहली बार मुंबई आया था तो नागपाड़ा में गुम हो गया, हरा गया, 1.5 घंटा लगा था मुझे अपने रूम तक पहुँचने में। आज वो लड़का मुंबई में टैक्सी चला रहा है, तो कहीं ना कहीं हिम्मत, जो पैदल नहीं चल सकता था आज वो टैक्सी चला रहा है, समझ सकते हैं। पैदल हम नहीं चल पा रहे थे, गुम हो जाते थे, हरा जाते थे, डरते थे, आज मैं टैक्सी चला के मुंबई का हर एक गली गली में जाता हूँ, कितने कस्टमर से मिलता हूँ, छोड़ता हूँ, बात करता हूँ। तो यहाँ के प्रकृति को समझने में हमको 6 से 7 साल लग गया। अब अगर कहें तो मैं गाँव वाला हूँ, मेरा दिल गाँव वाला है, मेरा जिगर गांव वाला है, मेरा जिस्म, मेरे सांसे गांव वाला है, लेकिन मैं शहर का प्रकृति को समझ चुका हूं। तो आप लोग भी शहर में आए और गांव के प्रकृति तो जानते हैं, एक चांस मारते हैं। अगर शहर में बस गए फैमिली लेके तो ज़िंदगी बन जाएगी, और नहीं बस पाए तो गांव में कुछ प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो कैसा रहा मेरा मोटिवेट वीडियो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और अपने छोटे भाई को देसी अमजद 85 को, अपना मित्र अपने भाई को सब्सक्राइब करके प्यार दुलार लाड अपना दिखाएं, चुम्बेश्वरी वाला फ्लैंकी, लव यू गाइस, बाय।